अगर आप मकान मालिक हैं और आपके यहाँ किराएदार रहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है कि आप कभी किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी भी नए किराएदार को रखने से पहले आपको उन बातों में अमल कर लेना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में अवश्य पड़ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। चलिए जल्दी से जानते हैं उन बातों को जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी नए किराएदार को अपना मकान सौंपने से पहले। नंबर वन, रेंट एग्रीमेंट। अगर आप किसी नए किराएदार को घर किराए में दे रहे हैं तो आपको उससे सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट में हस्ताक्षर जरूर करवा लेने चाहिए, पर इसी में वह सारी बातें लिखी होनी चाहिए जो आप चाहते हैं, जैसे कि किराया कब बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, उनको कब तक के लिए मकान किराए पर दिया है इत्यादि। नंबर दो, देर रात पार्टी ना करता हो। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अक्सर हम कई बार कमरे को किराए पर दे तो देते हैं, परंतु बाद में पता चलता है कि वह आधी आधी रात को पार्टी करके वापस लौट रहा है और इसके बाद भी रात में शोर शराबा किया जा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि कमरे को किराए में देने से पहले ये सारी बातें क्लियर कर लें। चरित्र प्रमाण पत्र। यदि कहीं वह जॉब करता है तो आपको उससे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि उसका चरित्र कैसा है। अगर उसका चरित्र ठीक ना हो तो उसको कमरे किराए पर नहीं देना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि नया किराएदार आपका परिचित है तो ठीक है, अन्यथा आपको उसके डॉक्यूमेंट लेने चाहिए और अपने पास रखना चाहिए, और साथ ही उसके डॉक्यूमेंट को पुलिस स्टेशन में वेरीफाई करवा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो उसके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट नकली हों या उसके ऊपर कोई आपराधिक शिकायत हो। लंबे समय तक नहीं रखें। किसी भी किराएदार को अपने घर में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। अक्सर आपने भी इस तरह के मामले देखे होंगे कि कोई किराएदार यदि कई सालों से किसी के मकान में रहता है तो फिर वह उस पर अपना मालिकाना हक जताने लग जाता है। अतः आप इस तरह की कोई गलती ना करें और समय समय पर अपने किराएदार को बदलते रहें। अभिभावक का पता। यदि किराएदार छात्र या छात्रा हैं तो आपको उनके अभिभावक का पता और मोबाइल नंबर अवश्य लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई परेशानी हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। अंत में हम आपको कुछ मुख्य बातें भी बता देना चाहते हैं जो आपको बतौर मकान मालिक करनी चाहिए। घर को करें किराए के लिए तैयार। अमूमन लोग घर के उस हिस्से पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं जो उन्हें किराए पर देना होता। वे मानते हैं कि वहाँ किया गया खर्च उनकी जेब ढीली करेगा, मगर उसका फ़ायदा किराएदार उठाएगा, मगर यह सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी की चेकिंग। अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने से पहले दीवारों और छत की लीकेज देख लें, उसे सही तरह से पेंट करवा लें और उसमें बिजली और प्लम्बर का काम करवा लें, साथ ही पेस्ट कंट्रोल करवा सकें तो अवश्य ही करवा लें। ये तमाम बातें आपको न सिर्फ किराएदार के साथ रोज़ रोज़ की चिक चिक से बचाएगी, बल्कि आप एक शानदार घर किराए पर देने के समय अतिरिक्त किराया भी मांग सकते हैं। अंत में याद रखें कि यह घर आपका ही है और उसे अच्छी हालत में रखना आपका ही कर्तव्य है और आपके लिए ही फायदेमंद है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव या विचार हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। जुड़े रहिए द हिंदुस्तान टुडे के साथ, हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे। धन्यवाद।